मैं गुजरात से जा रहा था सर, पुलिस ने पकड़ लिया और ये मलकापुर गांव में रखा है। यहाँ का भाई लोग हम लोग को बहुत इज्जत कर रहा है। हम लोग का झारखंड घर था, हम लोग बोला कि कोई किसी का दिक्कत नहीं होने देंगे, आप लोग अच्छा से रहिए, आप लोग को लॉकडाउन टूट जाएगा तो आप लोग को गांव अच्छी तरह से भेज देंगे। अभी तक ले मलकापुर का गांव का यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा चीज़ है, कुछ दिक्कत यहाँ नहीं है सर। मैं सूरत डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मैं झारखंड जा रहा हूँ। झारखंड में कहाँ रहते आप? अब गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। उसी के मायने में आज यहाँ पर जो लोग रुके हैं उनके आज के पूरे दिन की व्यवस्था, सुबह से नाश्ता, 12 बजे खाना, उसके बाद में 5 बजे चाय और रात को 7:30 से 8 बजे के बीच में फिर से रात का भोजन, इतना सब हमारी संस्था करने वाली है। और ये कोई हमारा दायित्व समझ के हम कर रहे हैं, कोई किसी के उपकार नहीं है। तालुके तील तत्पुरते निवारा केंद्रांसाठी मी नियंत्रण अधिकारी म्हणून कार्य पाहत आहे। 28 मार्चला झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातल्या 77 लोकांना जे आपल्या गावाकडे चालले होते वेगवेगळ्या वाहनांनी, त्यांना देशामध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे इथे थांबवण्यात आलं। आपले प्रशासन या सर्वांच्या पाठीशी आहे। या झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातल्या मित्रांच्याही आम्ही सोबत आहोत, त्यांना कुठल्याही प्रकारची कमी प्रशासनामार्फत पडणार नाही याची मी सर्वांना हमी देत आहे। झारखंड आणि उत्तर प्रदेशातल्या निर्वासितांच्या म्हणूयात, स्थलांतरितांच्या म्हणूयात, ह्या लोकांची नियमितपणे वैद्यकीय तपासणी आपल्या प्रशासनामार्फत, आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येत आहे। त्यांच्या राहण्यासोबतच इतर काही सुविधा, साबण, तेल इत्यादी सुविधाही प्रशासनामार्फत आणि संस्थांमार्फत यांना पुरवल्या जात आहेत। त्यांच्या आरोग्याची संपूर्णतः काळजी घेण्याची जबाबदारी ह्या सर्वांना, कुठल्याही प्रकारची अडचण भासू नये यासाठी सर्व प्रशासन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे।